नमस्कार दोस्तों, अब चारों तरफ से चीन को घेरने की शुरुआत हो चुकी है। जहां एक तरफ भारत खड़ा है तो दूसरी तरफ जापान और फिलीपींस जैसे देश चीन को घेर करके खड़े हुए हैं। और दोस्तों, इसी दौरान अब एक बड़ा कदम चल दिया गया है चीन के अगेंस्ट, और वो ये है कि चीन के तरफ फेस करते हुए चीन के बॉर्डर के बिल्कुल सामने ही एक ब्रह्मोस मिसाइल का बेस बना दिया गया है, और ये बेस बनाया गया है फिलीपींस द्वारा, फिलीपींस में ही। दोस्तों, आप सब जानते हैं कुछ महीने पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल को भारत से खरीदा गया था चीन के अगेंस्ट, और अब यही ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस के नेवी बेस लुजॉन पर इंस्टॉल कर दिया जा रहा है, जिसकी सैटेलाइट इमेज भी हम सबके सामने आई है, जहां हम साफ देख सकते हैं कि एक ऐसा बेस बनाया जा रहा है जहां पर ब्रह्मोस को इंस्टॉल किया जा सके। और ये बिल्कुल साउथ चाइना सी के बिल्कुल करीब है, जहां पर चीन हर वक्त आकर के गुंडागर्दी करने की कोशिश करता है और फिलीपींस के जहाज को नुकसान पहुँचाने के हर वक्त प्रयास करता है। और दोस्तों, चीन हर वक्त ये कोशिश करता है कि जो फिलीपींस का लुजॉन स्ट्रेट है उसे चोक पॉइंट की तरह यूज़ किया जाए और फिलीपींस को साउथ चाइना सी में एक्सेस नहीं दिया जाए। लेकिन ये ब्रह्मोस मिसाइल का लुजॉन में इंस्टॉल करना, ये सीधी चेतावनी है चाइना को। अगर चीन इस पर कोई भी एक ऐसा हरकत करता है तो उसका जवाब भारत का ब्रह्मोस देगा। और आप सब जानते हैं ब्रह्मोस की परफॉर्मेंस, जहां चीन के एयर डिफेंस सिस्टम ने कुछ भी नहीं कर पाया जब भारत ने गलती से पाकिस्तान पर ब्रह्मोस छोड़ दिया था, तो अब क्या ही कर पाएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, फिलीपींस के साथ साथ चीन के कुछ अन्य पड़ोसी देश जैसे कि वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने पर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली बात कर रहे हैं। मुझे आशा है कि इस साल 2024 के एंड तक कोई भी चीन का पड़ोसी देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल जरूर खरीद लेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना विचार हमसे ज़रूर से शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स और जियोपॉलिटिकल अपडेट्स मिलता रहे।